हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। क्या है पार्टिकल एक्सेलरेटर और क्यों है पार्टिकल एक्सेलरेटर, मतलब क्यों बनाए भाई, कोई तो कारण होगा। और क्या ये ब्लैक होल बना सकते हैं और ये लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर क्या चीज है। आइंस्टाइन के बाद आने वाले दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने सर्न कोलाइडर के बारे में क्या कहा था और ये गॉड पार्टिकल थ्योरी क्या है, आज ये सारे सवाल निपटा दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले जानेंगे इतिहास, कहां से हुई थी शुरुआत। देखो भैया, इंसान है बड़ा ही विचित्र प्राणी, वो सड़क पर चलते चलते पत्थर को भी ठोकर मारता है और इसका कारण उसे खुद भी नहीं पता। तो चीजों को फेंकना तोड़ना ये रही है हमारी पुरानी आदत। तो जितनी भी चीजें आंखों से दिखाई देती थी उन्हें तोड़ फोड़ने के बाद वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना उन चीजों को भी तोड़कर देख लें जो आंखों से नहीं दिखती। तो उन्होंने अपने हाथ अजमाए एटम्स पर। तो चलो शुरू करते हैं एटम से। ये है प्रोफेसर एटम, जिनके न्यूक्लियस के सेंटर में बैठे हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और बाहर चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब चलते हैं एटम के न्यूक्लियस पर। देखो एटम के न्यूक्लियस में बैठे हैं बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस जिन्हें कहते हैं प्रोटॉन्स। पर क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर टूट जाना चाहिए, पर ऐसा होता ही नहीं है, जिसका कारण है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ये एक तरह की गम का काम करती है जो कि प्रोटॉन्स को चिपका कर रखती है और इनके साथ न्यूट्रॉन्स भी फंसे हुए रहते हैं और ये तीन चीजें मिलकर बनाती हैं एक एटम को। पर इन एटम्स का कुनबा बहुत बड़ा है। अगर कुनबे का मतलब नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ, परिवार को कुनबा कहते हैं। आज की तारीख तक लगभग 118 तरह के एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, मतलब 118 तरीके के एटम्स। बहुत बड़ा कुनबा है भाई। एटम्स को हम उनके प्रोटॉन की संख्या से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें बेचारा सबसे गरीब घर से आता है हाइड्रोजन, सिर्फ एक ही है। क्या? अरे भैया प्रोटॉन, हाइड्रोजन के पास बस एक ही प्रोटॉन है और हमारे जीने के लिए सबसे जरूरी चीज यानी ऑक्सीजन, उसके पास है 8 प्रोटॉन। और गोल्ड को देख रहे हो, पूरे 79 प्रोटॉन्स हैं, पूरा चौधरी बना फिर रहा है। और अब बारी है सबसे ओवरवेट एलिमेंट की यानी यूरेनियम, पूरे 92 प्रोटॉन्स हैं इसके पास। पर इनके जुड़वा भी अवेलेबल हैं, यानी जिनके पास प्रोटॉन की संख्या तो सेम होगी लेकिन न्यूट्रॉन्स अलग होंगे। तो नेचर में मिलने वाले यूरेनियम के हैं 3 तिड़वा, अगर 2 जुड़वा हो सकते हैं तो 3 को तिड़वा ही बोलेंगे, एक यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। और केमिस्ट्री में इनको कहा जाता है आइसोटोप्स। कुछ एलिमेंट जैसे कि टिन, उसके मिलेंगे आपको बहुत सारे आइसोटोप। और बेचारे एल्यूमिनियम का तो कोई आइसोटोप है ही नहीं, गरीब कहीं का। ज्यादातर एटम अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहते हैं, मतलब ज्यादा टेंशन लेने का नहीं और ना टेंशन देने का। मेरे कहने का मतलब है कि वो होते हैं स्टेबल। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके हाथों में बहुत ज्यादा खुजली होती है, वो दिन रात कुछ ना कुछ करते रहते हैं और ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जैसे कि रेडियम दिन रात दुनिया भर के पार्टिकल फेंकता रहता है और फिर लास्ट में थक हार के अपना न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ही बदल डालता है और बदल जाता है रेडॉन में, पर शांति वहां भी नहीं मिलती। उसके बाद बदलता है ये लेड में और उसके बाद हो जाता है ये स्टेबल, मतलब बंदा आ चुका है आराम के मूड में। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में बदलने की इस प्रक्रिया को बोलते हैं नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन। और जैसे ही हमारे वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता लगा, उनके हाथों में हुई बड़ी तेज खुजली। उन्होंने सोचा अगर ये खुद अपने आप को बदल सकता है तो क्यों ना हम भी हाथ साफ कर लें। और यहाँ से जन्म हुआ आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन का। लेकिन समस्या ये थी कि ये काम होगा कैसे। भाई साहब, यहीं से जन्म हुआ है पार्टिकल एक्सेलरेटर का। अब हमें चाहिए था एक जुगाड़ जिससे फेंक सके हम किसी हैवी पार्टिकल को, ताकि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जाए बदल और मिल जाए हमें एक न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का प्रोडक्ट। और यहाँ पर एंट्री होती है पैट्रिक ब्लैकेट की। रदरफोर्ड की गाइडेंस में 1925 में इन्होंने नाइट्रोजन पे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करके उसको ऑक्सीजन में बदल दिया और ये मनुष्य के द्वारा दुनिया का पहला आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन का एक्सपेरिमेंट था। अल्फा पार्टिकल को फेंक के मारने के बाद नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में वो जाके घुस गया। अब एक प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब हो गया और बाकी के पार्टिकल्स इधर उधर भाग गए, जिसने बदल दिया नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में। अब क्योंकि हमें एक रास्ता मिल चुका था तो ये बात तो पक्की थी कि जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि ये एक्सपेरिमेंट धरती का सत्यानाश कर सकते हैं, तब तक तो ये ना बंद होने वाले, बिल्कुल भी बंद ना होंगे। और क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है तो ये एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं पूरे धड़ल्ले से। उसके बाद बनते गए और पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर एक के बाद एक। और इसी हरकत की वजह से 1939 में यूरेनियम का ट्रांसम्यूटेशन करने के चक्कर में मिल गया हमें एटम बॉम्ब। अब
जैसे ही यूरेनियम के एटम पे फायर किया गया एक अल्फा पार्टिकल, तो उसने तोड़ दिया उसे दो अलग अलग एलिमेंट्स में। पहली बार एक एलिमेंट के टूटने के बाद हमें दो एलिमेंट मिले, लेकिन यहाँ हमें कुछ और भी मिला था, और वो था एक जबरदस्त एनर्जी। पर यहाँ पर साइंटिस्ट के दिमाग में आया एक सवाल कि एटम के अंदर इतनी सारी एनर्जी आई कहाँ से, क्योंकि इससे पहले तो इतनी एनर्जी कभी देखी नहीं थी, तो सर तो खुजाना बनता है। जब उन्होंने हिसाब किताब लगाया तो उन्होंने ये पाया कि यूरेनियम के न्यूक्लियस को एक साथ बांधकर रखने वाली बाइंडिंग एनर्जी का जो भी मास रहा होगा वो बराबर होना चाहिए उसके टूटने के बाद बने दो अलग एलिमेंट्स के न्यूक्लियस को जोड़कर रखने वाली बाइंडिंग एनर्जी के सम के बराबर। और जब उन्होंने दोनों को तोला, और ये तोलना कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ये पेन पेपर से की गई कैलकुलेशन है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, तो उन्होंने अपनी कैलकुलेशन में ये पाया कि मास में था अंतर। किसके मास में? उसी ग्लू के मास में जिसने न्यूक्लियस को बांध कर रखा था। जिस ताकत ने न्यूक्लियस को एक साथ बांध कर रखा था वही बनी थी इतनी जबरदस्त ऊर्जा का कारण, यानी E=mc2। फिजिक्स के फूफा द्वारा दी गई एक फेमस इक्वेशन। और एक चीज के बारे में बताना मैं भूल गया, एनर्जी के साथ साथ हमें मिली थी एक और बहुत काम की चीज, और वो थे फ्री के न्यूट्रॉन्स, जो कि दौड़ रहे थे बहुत जबरदस्त रफ्तार पर। और इन दौड़ते न्यूट्रॉन्स के सामने अगर और यूरेनियम एटम्स को रख दिया जाए तो भाई साहब ये बनाएंगे एक जबरदस्त चेन रिएक्शन। अब इतना सब कुछ हाथ लगने के बाद अपने वैज्ञानिक चुप कहां बैठने वाले थे? उन्होंने सोचा इसमें भी कोई ना कोई फायदा तो जरूर ढूंढा जा सकता है, तो लगाकर अपना दिमाग और दिखाकर हाथों की कारीगरी बना डाला उन्होंने एक एटॉमिक रिएक्टर। लेकिन कमाल की बात देखो, इतनी जबरदस्त डिस्कवरी के बाद सबसे पहले हथियार ही बनाया गया। अब एक और कमाल की बात सुनो, न्यूक्लियर रिएक्टर भी बना लिया और न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना लिया, पर शांति अभी भी नहीं पड़ी, तो कुछ करा उन्होंने बहुत अजीब। और ये अजीब हरकत थी नॉन न्यूक्लियर एलिमेंट्स को न्यूक्लियर रिएक्टर में ठूंसना। अब साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे अगर नॉन न्यूक्लियर एलिमेंट्स को रिएक्टर में ठूंस दिया जाए तो उनके साथ क्या होगा और क्या होता। वो भी बन गए रेडियो एक्टिव, और इन्हीं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके हमने बनाए बहुत सारे काम के डिवाइसेस, जिनमें से एक है आपका गाइगर काउंटर, जो करता है जासूसी। किसकी? रेडियो एक्टिव रेडिएशन की। इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का फर्टिलाइजर में भी इस्तेमाल किया जाने लगा, ताकि दुनिया की खाने की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा यूनिफॉर्म थिकनेस की मेटल शीट्स बनाने में, यानी बहुत थोड़े से समय और कम से कम मैन पावर का इस्तेमाल करके इंडस्ट्री की रफ्तार को बढ़ाया गया। इन्हीं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके डॉक्टर्स हार्ट से जुड़ी हुई डिजीज के बारे में और ज्यादा अच्छे से छानबीन कर पा रहे हैं। और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है ब्रेन ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने में, और थायराइड को ढूंढने का काम मिला है आयोडीन 131 को। इन महान वैज्ञानिकों ने हमें केमिस्ट्री, मेटलर्जी, बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ अनगिनत फील्ड में मनुष्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने दिन रात एक कर दिए हैं, तो उन लोगों को एक थैंक यू तो बनता है। अब आपको यहां से पार्टिकल एक्सेलरेटर का आइडिया तो लग ही गया होगा, और अगर नहीं लगा है तो मैं दोबारा बता देता हूं। पार्टिकल एक्सेलरेटर एक ऐसी मशीन है जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करके हमारे द्वारा निर्धारित किए गए टारगेट पे देकर मारती है, ताकि हम कुछ तोड़फोड़ मचा सकें एटॉमिक लेवल पर, और उनके रिजल्ट्स को स्टडी करके विज्ञान से जुड़े हुए नए नए राज खोल सकें। अब आता है यहाँ एक सवाल, क्या पार्टिकल एक्सेलरेटर ब्लैक होल बनाने का कारण बन सकते हैं? तो भैया ये रहा विकिपीडिया का एक पेज, और इसमें साफ साफ लिखा है कि पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर बहुत छोटे ब्लैक होल बनाए जा सकते हैं, तो क्या वो दुनिया की तबाही का कारण बन सकते हैं? अब इसके बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ, इतना रिस्क लेने की हिम्मत मेरे में तो नहीं है। जब इतना जान ही लिया है तो दुनिया के सबसे पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर के बारे में भी जान लो। उसका नाम है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, और इसी पार्टिकल एक्सेलरेटर ने दिए हैं हमें हिग्स बोसोन और टॉप क्वार्क, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। आपने गॉड पार्टिकल का नाम तो सुना ही होगा, तो भाई साहब हिग्स बोसोन को ही गॉड पार्टिकल कहा जाता है। ये है एलिमेंट्री पार्टिकल जो कि डिके हो जाता है बहुत ज्यादा क्विकली, बिल्कुल अनस्टेबल है, कोई भी चार्ज नहीं है इसके पास, और इसकी स्पिन भी है जीरो। और इसका पता पूछोगे तो ये मिलेगा आपको हिग्स फील्ड के अंदर। एक कमाल की बात सुनो, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का जो टनल है वो किसी भी विजिटर, मेरा कहने का मतलब किसी भी विजिटर के लिए आज तक एक्सेसिबल नहीं किया गया है। आप दुनिया के कितने ही बड़े फन्ने खां क्यों ना हो, पर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में किसी को भी एंट्री करने की इजाजत नहीं है। हाँ वो बात अलग है, अगर आप वहाँ काम करते हो तो
तो आपके चक्कर वहाँ लग जाएंगे। स्टीफन हॉकिंस ने अपनी मृत्यु से पहले साइंटिस्ट को वार्न किया कि वो गॉड पार्टिकल के साथ ज्यादा छेड़खानी ना करें, यानी हिग्स बोसोन के साथ ज्यादा खिलवाड़ ना करें, क्योंकि ये हमारे ब्रह्मांड को खत्म करने लायक ताकत अपने अंदर रखता है। हालांकि इसके बारे में अभी ज्यादा राज नहीं खुले हैं, अगर कुछ पता लगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मोटा माटी मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपके जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उनको मास इसी गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसोन से ही मिलता है, और अपने आप में हिग्स बोसोन भी 5 तरीके के होते हैं। अब इतना डिटेल में जाना ठीक नहीं होगा, इसके बारे में फिर कभी बता देंगे, पर इससे जुड़ी हुई एक जानकारी और ले लो। हिग्स बोसोन के अस्तित्व को यानी गॉड पार्टिकल के अस्तित्व को लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर, एटलस और कॉम्पैक्ट म्यून सोलेनोइड यानी CMS डिटेक्टर पर डिटेक्ट किया जा चुका है। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि हिग्स बोसोन एक पार्टिकल के रूप में अस्तित्व में है। विज्ञान है ही कमाल का, बस समझ में आ जाए एक बार। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।